गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल मैंने आपको वर्ण और उसके प्रकार के बारे में बताया था। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आज की हमारी रिवीजन है वो क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए है। तो बच्चों कल हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार के बारे में। ओके, तो वर्णों के जो मैंने दो भेद आपको बताए थे कि स्वर और व्यंजन होते हैं, हिंदी में उसके अतिरिक्त तीन वर्ण और भी हैं, ये अकेले नहीं बोले जाते। ओके, इसलिए हम इन्हें व्यंजनों के भेद वर्णों के भेद में इसको नहीं लेते। ओके, ये व्यंजन तीन जो वर्ण है वो अलग से बोले जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है अनुस्वार। ओके, अनुस्वार को हम अंकी बिंदु बोलते हैं। ओके, अनुनासिक में चंद्र बिंदु बोलते हैं या लगाते हैं। विसर्ग में ऊपर नीचे दो बिंदु होते हैं और जिसका उच्चारण हम ह के रूप में करते हैं। ठीक है, विसर्ग में जो दो बिंदु लगती है उसका उच्चारण हम ह के रूप में करते हैं, मतलब ह आता है। उसके ह लिखना नहीं होता, बस बोलने में ह हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। ओके, जब हम अनुस्वार शब्दों का वर्णन करते हैं या बोलते हैं उन्हें, तो हम जो हवा है वो हमारे नाक के जरिए बाहर निकलती है, जैसे कि कंठ, रंग। ओके, तो जो हवा है वो हमारे नाक से बाहर निकलती है, ये होते हैं अनुस्वार। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक व गले से बाहर निकलती है। ओके, अनुस्वार में सिर्फ हवा नाक से बाहर निकलती थी और अनुनासिक में जो हवा है वो नाक व गले दोनों से बाहर निकलती है। ओके, इसे हम जिसके शब्द बनाते हैं वो हम चंद्रबिंदु लगाकर बनाते हैं, जैसे कि झांसी, कांच, सांच, पांच। ओके, यानी इसमें जो हवा है वो हमारे नाक व गले दोनों से बाहर निकलती है। ओके, इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग किसी स्वर या उसकी मात्रा के साथ जुड़ता है। ओके, लेकिन इसे स्वर नहीं माना जाता, हम इसे अयोग वाह कहते हैं। आफ्टर साउंड, अयोग वाह या आफ्टर साउंड। आफ्टर साउंड मतलब कि पूरे शब्द का उच्चारण करने के बाद हम इसे बोलते हैं। जैसे कि जो विसर्ग हैं वो उन शब्दों के साथ लगते हैं जो हमने हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द लिए हैं, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं, यानी हम उन्हें तत्सम शब्द भी कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्दों के पीछे कुछ ऐसे तत्सम शब्द होते हैं जिनके पीछे हम विसर्ग का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रातः है, नम है, यानी पीछे मैंने किसका उच्चारण किया, ह का। ओके, जो विसर्ग होती है वो हमें ह की साउंड आती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है बच्चों? जैसे कि नाम से ही पता है, वर्णों को विच्छेद करना, यानी वर्णों को अलग अलग करना, उनके टुकड़े करना, उनको दूर दूर करना। ओके, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं, जैसे कि है किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी हमारे पास कोई शब्द है और हमारे पास शब्द में जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को हमें अलग अलग करके लिखना है, बेशक उसमें मात्राएं आए, अंकी बिंदु आए, चंद्र बिंदु आए, कोई कुछ भी आए, मतलब हमें सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है परीक्षा। ओके, देखो परीक्षा में मैंने प प्लस में अ, मैंने प के नीचे हलंत क्यों लगाया है? क्योंकि जो प है वो आधा है, लेकिन ये स्वर के जुड़ने से पूरा हो जाता है, लेकिन अब इसकी साउंड प अ है, तो व्यंजन में से मैंने स्वर को अलग कर दिया है। ओके, फिर है र, र के साथ बड़ी की मात्रा थी। ओके, फिर है अक्ष, क्षत्रिय, इसके ये किससे बनता है? संयुक्त व्यंजन है ये। ओके, तो ये क और श षटकोण से मिलकर बना है, मैंने दोनों का अलग किया है और यहाँ पे जो आ की मात्रा है पीछे उसको मैंने आ का रूप दिया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा परीक्षा का वर्ण विच्छेद यहाँ पे मैंने कर दिया है। इसके बाद है राष्ट्र का। र, आ, श हमें पूरा यूज़ करना है। ओके, नीचे हलंत लगा के ये हमने आधा कर लिया है। ट, आधा लिखना है। र, आधा है। ओके, और दोनों के को बोलने में हमें स्वरों की सहायता ली है तो हमने अ पीछे लगाया है। ओके, इस तरह से ये मैंने परीक्षा और राष्ट्र का जो वर्ण विच्छेद किया है। ओके, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, बाय।